Hello everyone, welcome to Practice Mocks, a YouTube channel on regulatory bodies. So guys, in today's lecture, I'm going to cover a very important topic on digital lending guidelines. ठीक है, इसके अलावा I will explain you कि आपको कोई मिंट में किसी और न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है ना, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू आरबीआई, तो आपको वहाँ से कैसे चीज़ें पिक करनी है एंड कैसे रिसर्च करनी है, क्या क्या पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, आज के मिंट में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, एक स्निपेट आई थी कि आरबीआई हैज सेड कि ऑल रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स शेल प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट टू इट्स कस्टमर्स बाय अक्टूबर 1st. ठीक है, तो यहाँ पूरा आर्टिकल था, आई विल रीड दिस आर्टिकल. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्या क्या आपको चीजें पिक करनी थी एंड कैसे आपको रिसर्च करके पढ़ना था. हाँ, डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस का आई विल एक्सप्लेन यू क्या गाइडलाइंस थी लास्ट ईयर आई थी. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. उसके अलावा हाउ टू रीड एन आर्टिकल फ्रॉम मिंट, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपने देखा आरबीआई इन्वॉल्व है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, नो डाउट, तो आप ये पढ़ोगे ही पढ़ोगे. अब यहाँ पे क्या क्या आपको डेटा ध्यान में रखना है. पहली चीज तो आपको यहां पे जो ये डेट दी गई है ना 1st अक्टूबर, ये आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली फॉर फेज वन. फेज वन में कोई गाइडलाइंस कब तक एप्लीकेबल है, कब से स्टार्ट है, कब उसका डेडलाइन है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, स्पेशली दोज विच आर गिवन डायरेक्टली बाय द आरबीआई. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेट. ठीक है, इसके अलावा यहां बोला गया है, अब आर्टिकल रीड करते हैं हम. ऑल लेंडर्स विल हैव टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट्स. लेंडर्स कौन है, यानी बैंक्स, अबाउट द लोन अग्रीमेंट टर्म्स इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट कॉस्ट टू बोरोवर्स फॉर रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स फ्रॉम 1st अक्टूबर. ठीक है, दिस इज सेड बाय द आरबीआई. उसके बाद बोला है करंटली की फैक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, specifically mandated with respect to loans by commercial banks to individual borrowers, digital lending by RBI regulatory entities and microfinance loans. मतलब जो loans individual borrowers को जा रहे हैं, ठीक है, वो plus जो loan digital lending के द्वारा जा रहे हैं plus जो loan microfinance loan है, उनमें अभी तक key fact statement mandatory थी, but RBI ने कहा है अब के सारे retail और MSME loans, एमएसएमई लोन्स किसी इंडिविजुअल को तो नहीं जा रहा, कंपनी को जा रहा है, कॉर्पोरेट को जा रहा है, तो उनके लिए भी की इफेक्ट स्टेटमेंट देनी होगी बैंक्स को. तो ये नई कैटेगरी ऐड की गई है. ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ लोन्स आर मैंडेटेड बाय आरबीआई टू हैव की इफेक्ट स्टेटमेंट्स टू बी गिवन टू द बोरोवर. ठीक है, तो यहां पे डीएलईज हो गए, माइक्रो फाइनेंस लोन्स हो गए, इंडिविजुअल बोरोवर्स एज वेल एज एमएसएमईज भी इंक्लूड हो चुके हैं अब. ठीक है, इसके बाद बोला गया इन अ स्टेटमेंट द रिजर्व बैंक से दैट इट हैज बीन डिसाइडेड टू हार्मोनाइज द इंस्ट्रक्शंस ऑन केएफएस फॉर लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है, इसके बाद बताया गया केएफएस के बारे में, की इफेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, ये क्या होता है इसके बारे में आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, उसके बारे में यहां बताया गया. तो क्या क्या चीजें यहां पिक करनी है आपको ये पढ़ते पढ़ते. पहले तो डिजिटल लेंडिंग एंटिटीज के बारे में डिस्कस किया गया, व्हाट इज डिजिटल लेंडिंग एंड इट्स गाइडलाइंस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस लोन्स. उसके अलावा यहाँ पे एमएसएमईज की बात भी की गई है, तो एमएसएमईज क्या है, इसकी कैटेगराइजेशन कैसी है. तो आज के आर्टिकल में मैं सिर्फ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस से फोकस करूंगा, बट जब आप ऐसी पढ़ रहे हो ना तो आपको ध्यान में रखना है न्यूज क्या है, न्यूज में क्या क्या टर्म्स डिस्कस की गई है और हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सारे टर्म्स, बी इट माइक्रो फाइनेंस लोन, डिजिटल लेंडिंग एंटिटीज, एमएसएमईज, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर आरबीआई. ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो आई एम श्योर आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही सारे करंट अफेयर्स कर लोगे, अदरवाइज आपको फिर मैगजीन वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच. अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की और क्या क्या इसमें मेंशन था, उनकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है. सो एक सिंपल प्लेन लैंग्वेज में बताऊं तो की फैक्ट स्टेटमेंट वो हो गई जिसके अंदर सारे फैक्ट्स, लोन के जितने फैक्ट्स है, कितना टेन्योर है, कितना इंटरेस्ट चार्जेस है, कितना फाइल चार्जेस है, प्रोसेसिंग फी क्या है, ठीक है, पिनल चार्जेस हैं तो वो क्या क्या होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम बोरोवर को दें. ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है जो आरबीआई ने गिवन है,
वो मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है। तो ये चीजें होती है की इफेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट, ठीक है, सिंपल चीज है, डन। नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस लोन्स, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस लोन की क्या है। तो ये कहते हैं ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स, ठीक है, ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स टू इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू लो इनकम हाउस होल्ड, दैट इज हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख आर ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस लोन्स। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अगर लोन दिया जा रहा है, कोलेटरल फ्री होना चाहिए, उसके बदले वो कोलेटरल ना दे बैंक को, प्लस जिसको लोन दिया जा रहा है उसकी घर की कमाई 3 लाख से कम होनी चाहिए एनुअली, उस लोन को माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेट है की इफेक्ट स्टेटमेंट का, मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। तो दिस इज द फॉर्मेट जहां पे लोन अमाउंट, इंटरेस्ट चार्जेस, अपफ्रंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है, एनुअल परसेंटेज रेट, टेनर ऑफ द लोन, रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है, डिटेल्स अबाउट कंटिंजेंट चार्जेस, अदर डिस्क्लोजर्स, कूलिंग पीरियड कितना होना चाहिए, रिकवरी एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी की इफेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आपको हर चीज याद नहीं रखनी है की इफेक्ट स्टेटमेंट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बट ओवरऑल यू नीड टू नो इट इज अ समरी ऑफ योर लोन, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां पे हम डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस की बात करने पा रहे हैं, ठीक है। सो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन, डिजिटल लेंडिंग है क्या बेसिकली, गाइडलाइंस तो बाद में आई है, उससे पहले डिजिटल लेंडिंग हो रहा था, उसमें इश्यूज क्या थे, जिस चक्कर में आरबीआई ने लास्ट ईयर 2023 के अंदर गाइडलाइंस निकाली। तो बेसिकली डिजिटल लेंडिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो बैंक्स है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज है या एनबीएफसी है, वो डायरेक्टली कस्टमर को डील नहीं कर रहे हैं, मतलब ना वो कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, ना वो उसको चीज समझा रहे हैं लोन की, वो दे आर जस्ट गिविंग फंड्स, ठीक है। अगर आप आज के डेट में लोन लेने जाते हो तो बैंक के पास जाते हो ना, ऑफलाइन ब्रांच पे जाओगे, वहां अपनी फाइल दिखाओगे, उनको अपना कोलैटरल दोगे, देन यू विल गेट द लोन। तो इसमें तो कोई डिजिटली इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू द रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक, विच इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। बट डिजिटल लेंडिंग के अंदर आप एक इंटरमीडियरी का यूज करके, विच इज कॉल्ड एज लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो लेंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके माध्यम से आप लोन ले रहे हो, ठीक है। बट वो पैसा एलएसपी नहीं दे रहा है, पैसा एक्चुअल में रेगुलेटेड एंटिटीज ही दे रही है, यानी बैंक्स और एनबीएफसी ही पैसा दे रही है, नॉट बाय द एलएसपी। तो इसको कहा जाता है डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। अब आप पूछोगे कि आप जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन ले रहे हो तो डिजिटली हो रहा है क्या, और डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस में आएगा, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली बैंक से डील कर रहे हो, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ मिडिल पार्टी, ठीक है। उसके रिगार्डिंग यहां पे बताया भी गया, द फ्रेज लार्जली बाय यूज ऑफ सीमलेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैज बीन यूज्ड इन डिजिटल लेंडिंग डेफिनेशन टू अकॉर्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू रेगुलेटेड एंटिटीज इन डिजिटल लेंडिंग, देयरफॉर इवन इफ सम फिजिकल इंटरफेस विद कस्टमर इज प्रेजेंट, द लेंडिंग विल स्टिल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल लेंडिंग। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा प्रोसेस डिजिटली होना चाहिए, कुछ प्रोसेस अगर ऑफलाइन भी है तो भी वो डिजिटल लेंडिंग में माना जाएगा अगर वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। डेफिनेशन क्या है कि देर हैज टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम मिडल पार्टी, ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोन, कितना टेन्योर है, वो सब वो दे रहा है, कस्टमर रिक्वायर वो कर रहा है, रिकवरी की वो कर रहा है। अब भी आपको लोन नहीं दे तो बैंक आपसे रिकवर करता है, बट अगर आप डिजिटल लेंडिंग के द्वारा लोन नहीं लोगे तो रिकवर कौन करवाएगा, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो जब ये डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, दो डिजिटली सब कुछ हो रहा है, बट अगर कुछ ऑफलाइन भी हो रहा है, स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, ठीक है। बाकी हियर आर फ्यू थिंग्स कि जहां पे किसी भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर के साथ इंटरफेस है, आप जब लोन ले रहे हो, देयर इज अ मिडल मैन लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसको ग्रीवेंस ऑफिसर लेना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइंस का पार्ट है, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, जस्ट होल्ड। उसके अलावा यहां बोला गया कि फंड्स की बात की गई है। देखो, आप ऐसा तो नहीं कि एक बार लोन ले लोगे आपके पास आ गया, यू हैव टू रीपे इट ऑल्सो, रीपे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट दे देके। तो क्या आप पहले पैसा लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को दोगे और फिर वो आगे बैंक को देगा जहां से उसने पैसा उठाया है? तो ऐसा नहीं है, दे आर नॉट बींग अप्रूव टू हैंडल फंड, दे कैन नॉट टेक योर फंड डायरेक्टली।
तो आपको ईएमआई डायरेक्टली बैंक्स को ही पे की जाएगी, ठीक है। यू नॉट द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर आर नॉट अलाउड टू हैंडल फंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। उसके अलावा दिस इज अ टर्म विच वॉज मैंशन विच इज एनुअल परसेंटेज रेट। सो एनुअल परसेंटेज रेट वो होता है जिसमें कि सारी कॉस्ट कवर हो जाती हैं, कुछ कॉस्ट को छोड़ के अबाउट द लोन, लाइक इंटरेस्ट चार्जेस हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गई, ये सारी आपकी कवर होती हैं। क्या कवर नहीं होती होती? पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे कवर नहीं होते। तो एपीआर के डेफिनेशन का यू कैन रीड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। एपीआर इज द इफेक्टिव एनुअलाइज्ड रेट चार्ज टू द बोरोअर्स ऑफ अ डिजिटल लोन। एपीआर शैल बी बेस्ड ऑन ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट एंड मार्जिन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्रेडिट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग फी, वेरिफिकेशन चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सेट्रा, एंड एक्सक्लूड कंटिंजेंट चार्जेस लाइक पिनल चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस एक्सेट्रा। तो एग्जाम में दे कैन वेरी वेल आस्क इन इधर इन फेज टू और फेज वन की एनुअल परसेंटेज रेट निकालते वक्त क्या क्या चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो कौन से नहीं होते ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो अगर वो ये पता लगे क्या नहीं होता है तो क्या होता है आप एग्जाम में गैस कर पाओगे, ठीक है। तो डू द स्मार्ट वर्क। क्या नहीं होते? कंटिंजेंट चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं लाइक पिनल चार्जेस एंड लेट पेमेंट चार्जेस, दीज आर नॉट एप्लीकेबल अंडर एपीआर, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जहां बात कर रहे हैं हम गाइडलाइंस की। तो इसमें ने बताया गाइडलाइंस में बताया कि कोई भी थर्ड पार्टी कलेक्शन नहीं होगी, मतलब लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर कोई पैसा आपसे डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो डायरेक्टली फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी यानी बैंक टू द कस्टमर होगी, दिस इज क्लियर। फिनटेक कैन नॉट कलेक्ट फी, कोई भी फी होगी ना आपकी, कुछ भी चार्जेस लग रहे, दे कैन नॉट कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम यू, अगेन वो रेगुलेटेड एंटिटी में जाएगी फी, ठीक है। दे कैन नॉट कलेक्ट एनी फी डायरेक्टली, की फैक्ट स्टेटमेंट देनी ही देनी है, मैंने बता दिया है। उसके अलावा आता है कूलिंग ऑफ पीरियड, ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो क्या होता है जब आप लोन लेते हो ना, व्हाट हैपेंस कि आपको कुछ चीज नहीं बताई जाती है लाइक कूलिंग ऑफ पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या है, मतलब आपको आपको अगर एग्जिट करना है तो क्या आप एग्जिट लोन से कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, जब आप कभी बैंक से लोन लेते हो, आप जैसे 3 साल का लोन लिया, आप उसको 6 महीने में एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है। बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं आगे आप एग्जिट कर सकते हो, उसमें फायदा किसका है? एक्चुअल में उसमें फायदा आपका ही रहता है, बिकॉज 3 साल का अगर आप पेमेंट निकालते हो ना वो ज्यादा पड़ जाता है, और बैंक्स को फायदा नहीं होता उतना, उनको इंटरेस्ट जो मिलना है उनको 3 साल का वो मिस हो जाता है क्योंकि हमने पहले ही रिपे कर दिया है, एग्जिट फैसिलिटी मिल गई है। तो कुछ डिजिटल लेंडिंग में इश्यूज आ रहा था जिसके लिए गाइडलाइंस भी आई थी कि हम बताते थे कि आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है बट आपको हम लॉक इन पीरियड देते थे कि आप इतने टाइम तक एग्जिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस हैज बीन टोल्ड इन द गाइडलाइन कि आप ऐसी चीज नहीं कर सकते हो, आप लॉक इन पीरियड नहीं रख सकते, अगर रख रहे हो तो क्लियरली बताओ उन्हें, कम्युनिकेट करो, ठीक है। सो प्रोवाइडिंग कूलिंग ऑफ पीरियड वेर इन बोरोअर्स कैन एग्जिट डिजिटल लोन्स बाय पेइंग प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल एपीआर विदाउट एनी पेनल्टी, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर जब एग्जिट ही नहीं कर पाओगे तो आपको पूरा ही रीपे करना पड़ेगा, अगर एग्जिट करो तो बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ती थी पहले, तो इसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस में अच्छे से दिया गया है। देन कंसेंट ड्रिवन क्रेडिट इंक्रीज। अब क्या होता है कभी कभी आपने सुना होगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी है, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ गई है, तो वी विल टू बाय मोर, बट उससे क्या होता है एक बैड हैबिट बन जाती है कि हमें पता लगने का क्रेडिट लिमिट बढ़ गई है, ठीक है, बिना हमारे कंसेंट के बढ़ा दी गई है, तो हम उस तरह स्पेंड कर लेते हैं, तो उससे एनपीएस बढ़ जाते हैं, रीपेइंग एबिलिटी घट जाती है, ठीक है। तो जो भी अगर क्रेडिट इंक्रीज है, आपकी लिमिट है, अगर बढ़ा रहे हैं आप 1 लाख का लोन ले सकते हैं, आप 1.5 लाख का ले सकते हैं, तो वो कंसेंट के साथ ही बढ़ाई जाए। देन ग्रीवेंस रिडेसल, मतलब जो एक ग्रीवेंस रिडेसल होना चाहिए, ठीक है, एट द लेवल ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज एज वेल एज एट द लेवल ऑफ LSP, दोनों पे ही एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। LSPs में यानी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स पे तब होगा जब उनका डायरेक्टली इंटरफेस हुआ कस्टमर के साथ, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर से इन्वॉल्व नहीं है बट वो सर्विसेज दे रहे हैं, कस्टमर से डायरेक्टली उनका कुछ फेस टू फेस या कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं है, देन दे आर नॉट अलाउड, दे कैन नॉट हैव, दे हैव द चॉइस टू हैव अ ग्रीवेंस ऑफिसर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द गाइडलाइंस, आई होप आपको क्लियर होगी। इसके अलावा एक और चीज न्यूज में आई थी विच वॉज फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फ्रेमवर्क। तो देखो चीजें कैसे लिंक हुई ये मैं बताऊंगा क्या है। आपने पहले पढ़ा की फैक्ट स्टेटमेंट, टाइप ऑफ लोन्स, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। देन हमने पढ़ा डिजिटल लेंडिंग क्या है, देन हम डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस पढ़ी। जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस पढ़ोगे ना
तो उसमें आप ये चीज भी पढ़ोगे, द टर्म FLDG, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, ये इसका ही कहीं ना कहीं पार्ट है। इसका मतलब ये है FLDG का कि अगर कोई लॉस हो रहा है ना, तो उस लॉस में कुछ भागीदारी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर की भी हो, ठीक है। इससे फायदा किसका हो रहा है, इसे बैंक्स को या NBFCs को एक अश्योरिटी मिल रही है कि जो LSPs हैं ये अपना ड्यू डिलीजेंस देके काम करें, क्योंकि अगर कुछ लॉस होता है तो उनको भी भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए FLDG फ्रेमवर्क आया, जिसके अंदर कुछ प्रोविजन है, लाइक आप मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो का ही गारंटी दे सकते हैं LSP, बाकी का नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द निटी ग्रिटीज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, बट ऊपर ऊपर से बता दूं कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इससे क्या होगा कि जो रेंटलेस लैंडिंग बाय LSP से वो कम हो जाएगी, बिकॉज नाउ दे आर नो कि अंडर द फ्रेमवर्क अगर कुछ लॉस होता है तो दे ऑल्सो हैव टू पे, खाली बैंक को पे नहीं करना पड़ेगा, जहां से फंड उठाया उनको भी कुछ पे करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस एंड हाउ टू रीड अमेंट आर्टिकल। आई विल नॉट कंसीडर इट अ वेरी बिग आर्टिकल, बट इट इज काइंड ऑफ स्निपेट, एक न्यूज है जो आर्ट रिलेटेड है, कैसे आपने वहां से चीजें उठाई एंड कैसे पढ़ा, ठीक है। सो एज यू नो कि अभी हमारे पास काफी अच्छा टाइम है फॉर एग्जाम्स, क्योंकि इलेक्शन पीरियड चल रहा है, तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है, एंड ट्राई करो कि अच्छे से अभी सारा सिलेबस कर लो। ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर अभी से, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन फेज 1 एंड फेज 2 एंड इंटरव्यू। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड कीप प्रिपेयरिंग।